हाय एवरीवन, दिस इज गौरी। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, उसी के साथ ट्रिक्स भी देखेंगे व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। हम सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम में सेक्शन ए हैज रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट, उसके लिए टोटल 50 मार्क्स है। अभी तक इस एग्जाम की डेट रिलीज नहीं हुई है, जैसे ही होगी मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगी। जैसे मैंने बोला, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हम आपको फुल सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट्स, नोट्स, ये सारी चीजें दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर सको, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए जल्द से जल्द आपको ये कोर्स परचेस करना है, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको, और ये हमारी 100% गारंटी है कि आपको हम आपको पासिंग स्कोर तक पहुंचा देते हैं। इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता दूं, तो इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और जिसमें हम आपको थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी प्रोवाइड करते हैं, और ये सब चीज़ें आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। इवन वी प्रोवाइड फुल सिलेबस, नोट्स इन दोनों ही लैंग्वेज में, और मॉक टेस्ट, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। इवन वी प्रोवाइड 1500 प्लस MCQs रिवीजन PDF, जिसकी वजह से आप MCQs की रिवीजन भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जो भी आप लेते हो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन, तो वो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में होती है, तो हम आपको ये सब चीज़ें वेरी सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम गारंटी देते हैं कि आप एग्जाम में पासिंग स्कोर तो पा ही लोगे। ओके, तो इसके लिए आपको ये ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है और कमेंट सेक्शन में भी डाली है, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि करियर उन्नति योजना को अनुसंधान प्रकाशनों से जोड़ना। तो अगर हम इस करियर एडवांसमेंट स्कीम को रिसर्च पब्लिकेशंस को जोड़ते हैं, तो क्या होगा? तो हमारे ऑप्शंस है, मात्रा में वृद्धि के कारण अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि अगर हम करियर एडवांसमेंट स्कीम को रिसर्च पब्लिकेशन से जुड़ाते हैं, तो क्या होगा? तो इसकी वजह से क्या होगा, करियर एडवांसमेंट स्कीम में क्या आता है? अगर हम करियर एडवांसमेंट स्कीम को बढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा करियर डेवलपमेंट होगा, और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए APS स्कोर को बढ़ाना है, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है टीचिंग, करिकुलर एक्टिविटीज और रिसर्च। तो रिसर्च में, रिसर्च पब्लिकेशन हैज 55% स्कोर। ओके, तो अगर हम रिसर्च पब्लिकेशन को बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली करियर डेवलपमेंट होगी, उसकी वजह से करियर एडवांसमेंट स्कीम भी बढ़ जाएगी। तो इस इन सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से होगा कि हम हमारे जो रिसर्च की क्वालिटी है वो बढ़ाएंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, यानी कि मात्रा में वृद्धि के कारण अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाता है, दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा सेकेंड ऑप्शन है, मात्रा में वृद्धि के कारण अनुसंधान की गुणवत्ता बिगड़ती है। तो ऐसा नहीं है, इट इंक्रीजेस, बिगड़ती नहीं है, ये बढ़ती है। थर्ड ऑप्शन ये है कि अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्योंकि ज्ञान का कोष अधिक होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसर्च पब्लिकेशन की, नॉलेज की बात नहीं कर रहे, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन है, अनुसंधान की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है, तो ये भी गलत ऑप्शन आएगा, बिकॉज इट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, इट डज नॉट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक शोध अध्ययन में उद्देश्य का विवरण क्या होना चाहिए। तो अगर हम रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं, तो रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या आता है, उसमें आता है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन उसके बाद आता है कंक्लूजन। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या है, हमारे ऑप्शंस है अध्ययन के डिजाइन की पहचान करें, अध्ययन के इरादे या उद्देश्य की
पहचान करें, अध्ययन में उपयोग के जाने वाले लोगों के प्रकार को निर्दिष्ट करें, और चौथा ऑप्शन है अध्ययन का वर्णन करें। तो जो मेथडोलॉजी मैंने बोला रिसर्च प्रपोजल में आता है, तो उसमें क्या आता है? उसमें आता है कि जो हमारा स्टडी है उस स्टडी को कैसे डिजाइन करते हैं और किन टाइप ऑफ पीपल को हम उसमें लेते हैं, वो सब आता है। तो हमारा जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है यानी कि अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले लोगों के प्रकार को निर्दिष्ट करें, तो ये क्या, ये किस में आएगा? ये मेथडोलॉजी में आएगा। और अध्ययन का वर्णन करें यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन करें, ये भी मेथडोलॉजी में आएगा। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन, ये तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, तो हम किस में कन्फ्यूज हो जाते हैं? हम कन्फ्यूज हो जाते हैं वन और टू में। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है रिसर्च प्रपोजल का, तो उसमें क्या आता है? उसमें आता है कि हमारे रिसर्च का इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसमें हम हमारे रिसर्च की समरी देते हैं, हम उसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सब किस में आता है? वो आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है रिसर्च प्रपोजल का, तो उसमें आता है कि हम हमारे रिसर्च का जो पर्पस होता है वो देते हैं हम लोग। तो इसमें हम फोकसली बताते हैं कि व्हाई वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ रिसर्च। ओके, तो ये सब चीजें किस में आती है? ये ऑब्जेक्टिव में आती है। ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि अध्ययन के इरादे या उद्देश्य की पहचान करें, तो यस, इस ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि हम रिसर्च के पर्पस के बारे में बोलते हैं, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो अध्ययन की डिजाइन की पहचान करता है ये सब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में बोलते हैं, नॉट इन ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक अच्छा अकादमिक शोधकर्ता है, तो एक अच्छा अकादमिक शोधकर्ता में कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? तो पहला ऑप्शन ये है कि अपने शिक्षक पर निर्भर। तो अगर एक अच्छा एकेडमिक रिसर्चर अपने शिक्षक पर निर्भर होगा तो वो अच्छा रिसर्चर कैसा होगा? तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। अनुसंधान योजना का सख्ती से पालन करे, तो रिसर्च में हम रिसर्च प्लान करते हैं, बट इसका ये आंसर नहीं है कि हम लोग स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि खुले दिमाग और कट्टरपंथी, यानी कि उसका ओपन माइंडेड और रेडिकल स्वभाव होना चाहिए, यानी कि वो जो रिसर्चर है तो वो अपने आइडियाज खुले दिमाग से दूसरों को बता सके, वो उसके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो हम्बल होना चाहिए अबाउट नॉलेज, और उसके पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होने चाहिए टू बी मेक हिम अ गुड एकेडमिक रिसर्चर। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन ये है इट इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ये है कि अत्यधिक ज्ञान, यस, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है कि वो हाईली नॉलेजेबल होना चाहिए, बट अगर वो ओपन माइंडेड और रेडिकल होगा तो वो अच्छी तरीके से रिसर्च कर पाएगा। तो इट इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एकेडमिक रिसर्चर। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शोध का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, मतलब हमारा जो रिसर्च है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन ये है कि साहित्य की समीक्षा करना। तो साहित्य की समीक्षा करना ये रिसर्च का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जो पहले से ज्ञात है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना, तो ये रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव है बट इट इज नॉट द मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, तो ये भी नहीं आएगा। एकेडमिक डिग्री प्राप्त करने के लिए, दिस इज ऑल्सो नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। फोर्थ ऑप्शन ये है कि नए तथ्यों की खोज करना या ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या करना, तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, बिकॉज हमने हमारे जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें देखा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या होता है। वो होता है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर ढूंढ निकालना, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी इंक्वायरी करना, इट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। या फिर कुछ नए मेथड को जनरेट करना, कुछ प्लान को या सिस्टम को नया बनाना, सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स, सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है इट इज द करेक्ट आंसर।
तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि किस प्रकार की वैधता से तात्पर्य उस सीमा से है जिस तक किसी अध्ययन के परिणामों का समय के साथ सामान्यीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि किस प्रकार के वैलिडिटी को हम ऐसी वैलिडिटी बुला सकते हैं कि जिसके जिसकी वजह से हम जो रिसर्च के स्टडी का रिजल्ट्स बोलते हैं वो हम टाइम के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन ये है कि पारिस्थितिक वैधता यानी कि इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी में हम जब रियल लाइफ की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो रिसर्च पर लगा देते हैं तो ये तो नहीं आएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन ये है कि बाहरी वैधता यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या आता है, उसमें आता है कि जो भी कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है उनको हम प्रेडिक्ट करते हैं कुछ अदर सिचुएशन या फिर प्लेस या फिर टाइम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो ये भी नहीं आएगी। थर्ड ऑप्शन ये है कि आंतरिक वैधता यानी कि इंटरनल वैलिडिटी। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि अगर कोई रिलेशनशिप है दो चीजों में वेरिएबल्स में तो हम उसके हिसाब से मतलब उसका कोई परिणाम होगा या फिर इफेक्ट होगा, तो ये सब चीजें जो होती है वो आती है इंटरनल वैलिडिटी में, तो ये भी नहीं आएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि अस्थायी वैधता यानी कि टेम्परल वैलिडिटी, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि हम जो स्टडी करते हैं मतलब रिजल्ट्स का स्टडी करते हैं तो उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं टाइम के साथ, तो ये आएगा टेम्परल वैलिडिटी में। तो मैं बोल दूं कि वैलिडिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम किस हद तक स्टडी कर सकते हैं रिसर्च में किसी भी चीज की या फिर मेजर की, तो व्हाट इज दैट इज मीनिंग इज द वैलिडिटी। ओके, तो जो चौथा ऑप्शन ये है दैट इज अस्थायी वैधता, ये आएगा हमारा सही ऑप्शन, बिकॉज दिस वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑफ द ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड यानी कि प्रेडिक्टेड अक्रॉस टाइम। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो हमारा पहला ऑप्शन ये है कि प्रमुख समस्याओं की पहचान करना जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, बट इट इज ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, नॉट द एम ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज। अगर हमको एजुकेशनल रिसर्च करना है तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उनमें जो भी कुछ न्यू फैक्ट्स है या फिर प्रिंसिपल्स है अंडर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन तो उसको सर्च करना, इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और द मेन एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, इट इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों की पहचान करना, तो ये तो हमारा क्वेश्चन है यानी कि दिस इज द आइडेंटिफाइंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, तो दिस इज नॉट द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ओके, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। उन मूल्यों की पहचान करना जिन्हें विद्यार्थियों में विकसित करने की आवश्यकता है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है मेन रिसर्च का। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, बट ये हमारे एजुकेशनल रिसर्च का एक मेन एम नहीं है। हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम ये है कि हम न्यू फैक्ट्स या फिर प्रिंसिपल्स को सर्च करें जिनकी हमें मदद हो जाए इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो मैं बता दूं आपको कि एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में क्या आता है, इसमें आता है कि अगर हमें कोई भी एजुकेशनल सिचुएशन हो तो उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल रिसर्च। तो उसका एम क्या होना चाहिए, उसका एम होना चाहिए कि हमें अगर सॉल्व करनी है कोई भी एजुकेशनल चीज़ या फिर प्रॉब्लम, तो इट इज़ वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टू सर्चिंग फॉर न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, ये हमारा दूसरा मेन एम है एजुकेशनल रिसर्च का। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन टू। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट स्टेटमेंट ए है और दूसरा जो है रीजन आर, मतलब रीजन फॉर द स्टेटमेंट ए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अनुसंधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक सिद्धांत का विकास है
और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि शोध करने के लिए तथ्य और सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण है। तो इन दो स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। वो ऑप्शंस क्या है, वो है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ऑप्शन ये है कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, चौथा ऑप्शन ये है कि ए सही है लेकिन आर सही है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज ए, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ रिसर्च इज द डेवलपमेंट ऑफ अ थियरी। तो रिसर्च का जो एम है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट ऑफ अ थियरी। तो जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च का मतलब ये है कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो उसको बढ़ावा देना, उसमें कोई ऐड करना या फिर नया नॉलेज सर्च करना। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। एंड व्हाट इज थियरी, थियरी का मतलब ये है कि इट इज द मेन कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है। एंड वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर रिसर्च, फॉर अ पर्टिकुलर फेनोमेनन, ये थियरी है। तो ऑब्वियसली जो हमारे रिसर्च है उसका मेन जो एम होगा वो क्या होगा, वो होगा कि डेवलपमेंट ऑफ अ थियरी फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बोथ फैक्ट्स एंड थियरी आर इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग द रिसर्च। अगर हमको रिसर्च करना है तो हमने देखा कि थियरी इज इम्पॉर्टेंट, वो तो होनी चाहिए। तो फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं कि जो भी कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोज ऑब्जर्वेशंस आर द फैक्ट्स, बिकॉज उनको हम फैक्ट्स ही बुलाते हैं, बिकॉज दोज आर रियल ऑब्जर्वेशंस। तो यस, अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर थियरी बनाते हैं, तो यस ऑब्वियसली ये दोनों भी जो चीज़ें हैं बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग द रिसर्च। पर अगर हम लोग दोनों ही स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये जो रीज़न आर का स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट द रीज़न ऑफ स्टेटमेंट ए। अगर हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट आर बोलते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि इट इज़ द रीज़न फॉर स्टेटमेंट ए। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है, यानी कि ए और आर दोनों ही सही ऑप्शन है, पर आर ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब जो स्टेटमेंट आर है वो एक्सप्लेन नहीं करता ए को। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जस्ट ना, जब भी आप लोग ऐसे एमसीक्यूज को देखते हो और सॉल्व करते हो तो जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट्स केयरफुली। आप एक बार दो बार पहले रीड कर लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, देन उसके बाद ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है आंसर टू। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिक्षा में अनुसंधान की मुख्य भूमिका क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दी है। तो पहला ऑप्शन ये है कि किसी की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए। तो अगर हमें किसी की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना है तो ये जरूरी नहीं है कि हम रिसर्च करें इन द एजुकेशन, और एजुकेशन और इसका कोई, इट इज़ नॉट द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन और इसका, ओके। तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि किसी की नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं आएगा बिकॉज देर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट। तीसरा ऑप्शन ये है कि किसी के व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए, तो ये भी नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन ये है कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बनाने में आवेदक की सहायता करना, तो ये आएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, विच इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज हमने अब भी देखा कि जब भी हम एजुकेशनल रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या आता है कि हम वहाँ पे अश्योरेंस दिलाते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं इन द एजुकेशनल प्रैक्टिस, वो हम रिव्यू भी कर रहे हैं और हम वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं, यानी कि हम एजुकेशनल रिसर्च की अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज हमें जो भी कुछ एम है हमारा और एजुकेशनल रिसर्च का, तो वो हम पा सके। तो हमारा जो मेन एम क्या था, वो था कि टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम और टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा कि हमारा जो एप्लीकेंट है, जो भी एजुकेशन में आएगा, तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छा एजुकेशनलिस्ट बन जाएगा, रीनोन्ड एजुकेशनलिस्ट। तो इट इज़ द मेन रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है, इट इज़ द करेक्ट आंसर।
नाउ इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा है कि अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पहले आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर हमको रिसर्च करना है तो इनमें से कौन सा हमें प्रायरली रिक्वायर्ड ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन ये है कि एक शोध डिजाइन विकसित करना, दूसरा ऑप्शन ये है कि एक शोध प्रश्न तैयार करना, तीसरा ऑप्शन डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना, और चौथा एक शोध परिकल्पना तैयार करना। तो अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो अगर हमको रिसर्च करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास रिसर्च के लिए क्वेश्चन होना चाहिए या फिर रिसर्च का कोई टॉपिक होना चाहिए। अगर हमारे पास रिसर्च का टॉपिक है, प्रॉब्लम है, तब भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन। ओके, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। बिकॉज हमारे पास अगर रिसर्च का क्वेश्चन हो तब भी हम रिसर्च को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रिसर्च को डिजाइन करते हैं, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन तो ये तो नहीं आएगा करेक्ट आंसर। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन, यानी कि एक शोध परिकल्पना तैयार करना, तो ये भी नहीं आएगा। और उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं, वो आएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, तो ये भी नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना, तो हमारा जो सेकेंड आंसर है, यस, सो इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अनुसंधान और विकास देश के विकास का सूचकांक बन जाता है। इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कारण सत्य है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जब भी हम रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, मतलब द ट्रू रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। तो हमारा पहला ऑप्शन ये है कि R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट मानव विकास को लक्षित करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो R&D है वो टारगेट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो यस, इट इज़ द करेक्ट रीजन, बिकॉज अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी वजह से हमारा भी डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि R&D देश में लोगों के जीवन स्तर को बढ़ा सकता है। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है कि इट एनहांस पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री। तो अगर हमारी डेवलपमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे लिविंग की भी डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये भी तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। देन थर्ड ऑप्शन ये है कि R&D देश में प्रचलित वास्तविक आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को दर्शाता है। जब भी हम रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं तो उसकी वजह से हमें इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के बारे में पता चलता है कंट्री के। ओके, बिकॉज जब भी हम रिसर्च करते हैं तो इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कि हम कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल जो कंडीशन है उसके बारे में पढ़ सके। ओके, तो ये भी एक सही रीजन है रिसर्च और डेवलपमेंट के आगे। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि उपरोक्त सभी, तो यस, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा फोर्थ ऑप्शन। बिकॉज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिकम द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ज़रूर, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।